Hello everyone I am Anurag sir and today I will explain you all class 6th english lesson number 9 jew's story so let's start jew is a young girl who lives with her mother her father had been killed in a tragic accident a few years ago her mother is a domestic help and so many of the things that jew uses textbooks school bag लंच बॉक्स एंड अम्ब्रेलाज आर सेकेंड हैंड हाउ एवर जू लुक आफ्टर ऑल हर थिंग्स वेल एंड इज़ ए चेयरफुल एंड प्रैक्टिकल गर्ल तो इस स्टोरी में जू एक यंग गर्ल्ड है जो अपनी मदर के साथ रहती है उसके फादर एक एक्सीडेंट में मारे गए तो जू की मदर घरेलू काम करती है और घर में काम जब वो करती हैं तो वहाँ से उन्हें जू के लिए कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जैसे टेक्स्ट बुक स्कूल बैग लंच बॉक्स या फिर अम्ब्रेला जो कि सारे सेकेंड हैंड होते हैं इन सब के बाद भी जू अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और वो काफ़ी चेयरफुल और प्रैक्टिकल गर्ल है जू नेवर थाट ऑफ द गिफ्ट्स शी रिसीव्ड एज बी ओल्ड दे वर एंटरिंग हर लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर दे वर ब्रांड न्यू एज़ फार एज शी वॉज कंसर्न शी फेल्ट एज इफ़ शी वर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स that was why she did not cross out the names of the original owners of the book before writing her own name which was P.R. r manju po marathil ramu manju po marathil was her family name तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि जू ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी छोटी उम्र में ये सारे गिफ्ट मिलेंगे ये सब कुछ उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एंटर कर रहे थे और उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उसके लिए ब्रांड न्यू थी ऐसा जू का सोचना था तो जो किताबें जू को मिलती थी और उसमें किसी और ओनर का नेम लिखा होता था तो वो उसे कट करके उसमें अपना नेम लिखती थी ताकि वो चीज़ उसकी कहलाए और यहाँ जू का रियल नेम है पी आर मंजू पू मराठिल रामू मंजू सो so, पु वाज़ द फैमिली नेम ऑफ मंजू व्हिच मीन्स अपॉन द फ्लावरिंग ट्री रामू वाज़ हर फादर्स नेम दिस ईयर मंजू वाज़ मूविंग अप टू क्लास एट्थ डिवीज़न बी तो पु मंजू का फैमिली नेम था जिसका अर्थ था फूलों वाला पेड़ रामू उसके पिता का नाम था और इस साल मंजू अब क्लास एट्थ में जा रही थी डिवीज़न बी एवरी कॉल्ड हर जू Because that's how her mother called her. Jew thought her mother rationed her name too. Like she did rice, dal, salt, soap, oil, and so on. In any case, she loved being called Jew because most people remembered it easily. There were some people who asked her if it was a Hindu, Christian, or Muslim name, and she replied, It's just a name. इस पैराग्राफ का मतलब है कि सभी लोग उसे जू कह के बुलाते थे क्योंकि जू की मदर भी उसे जू कहती थी जू ने सोचा कि शायद उसकी मम्मी ने भी उसके नाम को राशन की तरह छोटा कर दिया है जैसे दाल चावल सॉल्ट सोप और भी कई चीज़ें तो किसी भी केस में वो अपनी जू बेटी को बहुत ज़्यादा चाहती थी क्योंकि किसी की भी पर्सन के लिए इस नाम को याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये नेम बहुत ही छोटा है और सुनने में अच्छा लगता है कई लोगों ने जू की मदर से भी पूछा कि आप उसे ऐसे कह के, के क्यों बुलाती हो अगर वो एक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या और कोई होती तो तो मदर कहती है कि ये तो सिर्फ़ एक नाम है इससे क्या होता है ऑफकोर्स देर वर साइज प्रॉब्लम्स विद द ओल्ड ड्रेसेस स्कर्ट्स व टू टाइट और टू लॉन्ग एंड ब्लाउजेज़ व टू लार्ज और टू शॉर्ट बट मधु जूज़ मदर वुड बैक अली विथ होम जूज़ फ़ादर हैड शेड वर्क टू ऑल्टर दैम टू सूट जू नाम तो ठीक है लेकिन हाँ अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी तो वो है पुराने ड्रेसेस की यहाँ पर स्कर्ट कभी कभी जो जू को मिलते थे वो बहुत ज़्यादा टाइट होते थे या फिर लंबे होते थे ब्लाउजेज़ कभी बहुत ज़्यादा बड़े तो छोटे लेकिन मधु देखिए मधु यहाँ पर जो की मदर का नेम है तो वो अली से रिक्वेस्ट करती थी अब देखिए अली जो है वो जीव के फादर के साथ काम किया करते थे तो जीव की मदर अली से रिक्वेस्ट करेगी कि वो इन ड्रेसेस को जू के लिए अच्छे से सी दे वन डे जी वॉज सरप्राइज वैन एंड ओल्ड लेडी शी न्यू स्टॉप्ड हर इन द स्ट्रीट कॉलिंग आउट टू हर लिसी द ओल्ड लेडी हैड मिस्टेकन ज्यू फॉर हर ग्रैंड डॉटर वेन शी फाउंड आउट वॉज जू शी एम्ब्रेज हर एंड सेड हैपलीफकोर्स ऑफकोर्स माई आई साइड इजेंट वॉटेड यूज टू बी यू आर मधुज डॉटर यू लुक सो मच लाइक माई ग्रैंड डॉटर लिस इन दैट ड्रेस तो एक दिन की बात है ज्यू आश्चर्यचकित हो गई जब वो रास्ते से जा रही थी तो रास्ते में एक ओल्ड लेडी ने उसे रोका ये कहकर लिसी तो ओल्ड लेडी से गलती हो गई थी क्योंकि वो जू को अपनी ग्रैंड डॉटर समझ बैठी थी लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो जू है उनकी ग्रैंड डॉटर नहीं तो उन्होंने जू से कहा कि अरे बेटा सॉरी मुझसे गलती हो गई और वो खुशी खुशी उससे कहती है कि मेरी नज़रें थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं क्योंकि अब मैं बूढ़ी हूँ लेकिन हाँ तुम मधु की बेटी हो ना तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर लगती है जू टोल्ड हर ग्रैंड मदर आई एम वेयरिंग लिसीज ड्रेस तो जू ने उन्हें बताया कि दादी जी मैं लिसी की ही ड्रेस पहनी हुई हूँ ओ ओ द ओल्ड लेडी सेट एंड गेज़ डेट जू देन शी टोक जूज हैंड इन हर्स एंड सेड गॉड ब्लेस यू यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल तो ओल्ड लेडी ने जू की तरफ़ देख कर कहा और उसका हाथ अपने हाथ में रख के कहा कि बेटा ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे और तुम सच में बहुत ही सुंदर लड़की हो ज्यू आज हर ग्रैंड मदर शुड आई वॉक विथ यू टू द चर्च नो नो आई एम ऑल राइट शी रिप्लाइड एंड स्लोली कंटिन्यूड ऑन हर वे टेकिंग अ लुक एट एवरीथिंग एंड ओकेजनली पेयरिंग एट अ पास अय स्टूड टूट देअर वंडरिंग वाइल इस ग्रैंड मदर हैड कॉल्ड हर ब्यूटिफुल नो बडी हैड कॉल्ड हर दैट बिफोर तो यहाँ ज्यू ने ग्रैंड मदर से पूछा कि क्या मैं आपको चर्च तक ड्रॉप कर दूँ तो ग्रैंड मदर ने कहा कि नहीं बेटा मैं ठीक हूँ मैं अपने आप चली जाऊँगी और ऐसा जवाब देकर वो धीरे धीरे अपने रास्ते पे चली गई तो जीव वहाँ पर खड़े हुए ये सोचती रह गई कि लेसी की ग्रैंड मदर ने मुझे ब्यूटीफुल क्यों कहा क्योंकि आज तक उसे कभी मैंने ऐसा पहले नहीं कहा था जीव ऑलवेज फाउंड लिटिल कीप सेक ऑफ़ द प्रीवियस ओनर्स स्लीपिंग इन द pages ऑफ द बुक्स हर मदर brought. देखिए यहाँ कीप्सेक का मतलब होता है वो चीज़ें जो पुराने भूतकाल की बातों को वापस आपको याद दिलाती है तो ये सारी चीज़ें किताबों के पन्नों के बीच में मिलती थी जू को और ये किताबें उसकी मदर लाया करती थी उसके लिए वैन द अदर कस्टमर्स हैड गॉन एंड मधु हैड ओपन द बंडल ऑफ़ ओल्ड clothes अली गाट his मेजरिंग टेप नॉडेड his head vigorously एंड सेड स्टडी वेल यंग लेडी तो जब सारे कस्टमर्स जा चुके थे तो जू की मदर जिनका नाम मधु है उन्होंने बंडल को ओपन किया जिसमें बहुत सारे पुराने कपड़े थे अली ने अपना मेजरिंग टेप निकाला और अपने हेड को ऊपर करते हुए जू को देख करके कहा स्टडी वेल यंग लेडी यानी कि अच्छे से पढ़ो यंग लेडी जू कूडेंट बिलीव दैट सम वन हैड कॉल्ड हर यंग लेडी एंड अ वेव ऑफ जॉय फिल्ड हर देन अली सेट जूज़ मदर दिस इज़ रामूज़ डॉटर एंड रामू हैज बीन टेकन फ्रॉम अस लेट मे गिव रामूज़ डॉटर अ स्मॉल प्रेजेंट तो अब जू को ख़ुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे यंग लेडी भी कह सकता है और उसे यह सुनकर बहुत खुशी हो रही थी तभी अली ने कहा कि जू की मदर यह रामू की बेटी है और रामू हमसे छीन लिया गया यानी कि रामू अब हमसे दूर हो गया है अब हमारे साथ नहीं है और मैं रामू की बेटी को एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ अपनी तरफ से ही पुल्ड आउट सम कलरफुल फैब्रिक्स फ्रॉम द शेल्फ़ एंड स्प्रेड दैम ऑन एस टेबल जू सेलेक्ट वॉट यू लाइक इफ़ रामू हैड बिन अलाइव यू एंड योर मदर वुडेंट हैव वॉन ओल्ड क्लोथ्स जू मस्ट वियर न्यू क्लोथ्स टू हाई स्कूल ही सेट मधु बर्स्ट इन टू टीयर्स ईवन एज शी स्माइल्ड तो अली ने कुछ कलरफुल फेब्रिक्स निकाली शेल्फ से और उनको टेबल में फैला दिया और कहा कि ज्यू आपको बेटा इसमें से जो भी पसंद है आप ले लो अगर रामू आज जिंदा होता तो आपको और आपकी मम्मा को ऐसे पुराने कपड़े नहीं पहनने होते जू को नए ग्लोस पहन के जाना चाहिए हाई स्कूल तो उसने जब ऐसा कहा तो ये सुनकर जू की मदर यानी कि मधु जी के आंखों से आंसू निकलने लगे लेकिन वो बाद में स्माइल करने लगी ज्यू स्टूड स्टेयरिंग एट अली हर मदर एंड द फैब्रिक्स विद डिसीव शी वॉज सो सरप्राइज एंड हैप्पी शी कुड डांस तो ज्यू वहाँ पर ही खड़े रहकर अली को देख रही थी अपनी मदर को और उन सारे फैब्रिक्स को और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई और हैप्पी फील कर रही थी अली इस गिफ्ट ऑफ़ न्यू ड्रेसेस केम द डे बिफोर स्कूल रीओपनड एज मधु हेल्ड ईच ड्रेस अगेंस्ट ज्यूज बॉडी स्माइलिंग एंड नोडिंग हर हेड, ज्यू ब्रीथेड इन द डिलीशियस सेंट ऑफ न्यू क्लॉथ्स तो यहाँ अली ने नए ड्रेस का गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया था ज्यू को और स्कूल खुलने से पहले ही उसे मिल गया मधु ज्यू को नए ड्रेस में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो स्माइल कर रही थी और उसके हेड को अपने हाथों से सहला रही थी और जू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी और वो उन न्यू क्लॉथ्स की अच्छी खुशबू को स्मेल कर सकती थी सो दिस इज़ द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल नाउ टेक केयर गुड डे